हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो मूवी हर मिडिल क्लास फैमिली में से जो जो बंदे बिलोंग करते हैं उनको वो मूवी ज़रूर कोरिलेट करेगी। हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ झुगाटो मूवी के बारे में, जो फ्राइडे के दिन रिलीज़ हुई है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी में क्या क्या डिटेल्स है जो हम लोगों के साथ किस तरह से कनेक्ट कर पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें झुगाटो मूवी के बारे में, तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है नंदिता दास ने। ये वही डायरेक्टर जिन्होंने मंटो मूवी डायरेक्ट की थी। झुगाटो मूवी बायोग्राफी है हर डिलीवरी राइडर की, जो आपको सामान और खाना डिलीवर करते हैं। ये लोग स्विगी, जोमेटो, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। उनकी लाइफ को इस मूवी में दिखाया गया है, और ये दिखाने का काम कर रहे हैं हमारे अपने कपिल शर्मा, जो प्ले कर रहे हैं डिलीवरी बॉय का रोल। अगर हम बात करें एक्टिंग की, तो इस मूवी में उनकी एक्टिंग इतनी रियल थी कि मानो वो कपिल शर्मा ही न हो, क्योंकि हम लोगों ने उनको कॉमेडी करते ही देखा है, किसी सीरियस रोल में कभी नहीं देखा। उनकी एक्टिंग आप लोगों का दिल जरूर छू जाएगी। बात तो सही है। इस मूवी में ना आपको हीरो देखने को मिलेगा, ना ही हीरोइन, ना ही कोई एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे, और ना ही कोई सस्पेंस और ना ही कोई सॉन्ग। इस मूवी की जो स्टोरी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है, और ऐसी कैटेगरी की मूवी को हम कंटेम्प्ररी सिनेमा कहते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे इंडिया में पब्लिक को ऐसी मूवी ज्यादा पसंद नहीं आती है। ले 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 ले, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। बात करें इस मूवी की स्टोरी लाइन की, तो इस मूवी में एक मिडिल क्लास डिलीवरी बॉय दिखाया गया है, और वो डिलीवरी बॉय अपने लाइफ में कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करता है और कितने डिप्रेशन और कितने स्ट्रेस में जाता है, ये सभी चीज़ें हमें इस मूवी में दिखाई गई है। और ये लोग हमेशा बोलते हैं ना कि रेटिंग ज़रूर दे देना, तो उस रेटिंग की उनके लाइफ में क्या वैल्यूएशन है, ये सब चीज़ें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये था इस मूवी का रिव्यू, और पर्सनली मुझे मूवी बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से इस मूवी के लिए रेटिंग होगी 4 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। और ये मूवी देखने के बाद आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगी कि जो हम लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं उन डिलीवरी बॉय को रेटिंग देना कितना ज़रूरी है। उसके लिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हो सके तो उन लोगों को रेटिंग ज़रूर देना। तो फिलहाल के लिए अलविदा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।